समाजवादी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को मान्यता दिए जाने के संबंध में जांच टीम रामपुर पहुंची। जांच करने पहुंची टीम को मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बंद मिला। टीम ने जांच का नोटिस देते हुए रिपोर्ट चस्पा की। मेडिकल टीम के पुलिस के साथ पहुंचने पर स्टूडेंटों ने मुख्य द्वार पर ही प्रशासन की कार्यवाही का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। स्टूडेंट ने प्रशासन की कार्यवाही से यूनिवर्सिटी के बच्चों को होने वाली दिक्कतों को रखते हुए प्रदर्शन किया। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा मेडिकल कॉलेज जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और उनका हॉस्पिटल किस स्थिति में है, उसमें उपकरण है, डॉक्टर मौजूद है और हॉस्पिटल में मरीजों का क्या इलाज किया जा रहा है, क्या मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी हुई है, इन सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए 5 सदस्यीय टीम रामपुर पहुंची। रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज और वहां चलाए जा रहे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया तो वहां सब कुछ बंद मिला। हॉस्पिटल में ताले लगे हुए थे, ना कोई डॉक्टर था ना ही कोई मरीज। जांच टीम ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, वहाँ कोई भी जिम्मेदार नहीं उपलब्ध हुआ, जिसके चलते टीम को तेरह ही वापस लौटना पड़ा। आखिर जांच को 5 सदस्यीय टीम ने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ बंद मिलने का उल्लेख करते हुए एक नोटिस दे दिया है। नोटिस जो लगाया था टीम किसने, क्या नोटिस में क्या, आप देखिए नोटिस लगा हुआ है, आप उसको क्या लगाया उसमें, जिसमें हमने जो सब इसमें लिखा है कि इसमें यहाँ सब कुछ बंद है, ताला लगा हुआ है, कुछ इंस्पेक्शन कर ही नहीं पाए। तो क्या एप्लीकेशन कैंसिल कर दी गई? अब ये तो शासन के ऊपर है, मतलब अपनी जान शासन। कितने सदस्य की टीम आई तरह? 5 लोग। क्या जांच करने आए थे सर? यहाँ पे हम बिल्डिंग देखने आए थे जो जौहर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। दिक्कतें सामना करनी पड़ रही हैं इस यूनिवर्सिटी की वजह से। ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर इस तरीके का राजनीतिक यहाँ पर हो रहा है सब। आजम खान से अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो सर उन तक रहिए, हमारे कॉलेज तक, हमारी यूनिवर्सिटी तक मत आइए, हमारे भविष्य के बारे में सोचिए। हमारे पेरेंट्स कितनी मुसीबतों से पैसा इकट्ठा करके पढ़ाते हैं, फिर आप लोग इस तरीके से यूनिवर्सिटी पर ये सब करेंगे, सब लोग घबराते हैं। जिन लोगों ने एडमिशन लिए हैं वो बेचारे कॉलेज आना नहीं चाह रहे हैं, आते हैं तो उन लोगों को रास्ते में रोक देते हैं। हमारे एडमिशन जो हो चुके हैं वो लोग इतना परेशान है। यहाँ पर ज़मीन के मसले सर 3 साल तक का यहाँ पर रहता है, ज़मीन का जो भी कब्जे में रहता है, अब ये 10-12 साल हो गए ये लोग यहाँ पर, आप जाके जाग रहे हैं ये सब कि ये सब लोधी है 3 साल से पहले। आप जो है यहाँ पर 3 साल से पहले मदरसा आलिया की सर किताबें बताई गई हैं हमारी लाइब्रेरी में सर, मदरसा आलिया में उर्दू एजुकेशन दी जाती है यहाँ पर। और हमारे प्रशासन के विरोध में धरना प्रदर्शन है और आने वाले टाइम में अगर प्रशासन का यही रुख रहा तो आने वाले टाइम में एक विशाल धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे घर को तोड़े जाने की साजिश की जा रही है। हमारे घर में मेडिकल कॉलेज है, हमारा घर है, हम अपने घर को बर्बाद करते हुए नहीं देखेंगे। अगर ऐसे ही प्रशासन के जुल्म लगातार होते रहे तो हम सब लोग निकलकर बाहर आएंगे और अपने घर के हमारे चुप नहीं रहेंगे। अगर हमारे घर की दीवार की एक ईंट भी टूटी तो पहले बुलडोजर हमारी जान से होकर निकलेगा। और हम अपने चांसलर सर का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से यूनिवर्सिटी बनाई है, गरीब छात्रों के लिए सुविधाएं हैं, जिस तरह से यहाँ के एरिया के लिए शिक्षा का माकूल इंतजाम किया है उसके हम समर्थन में हैं। क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर जो प्रशासन स्टडी हम कर ही नहीं पा रहे, हमारी लाइब्रेरी काम कर रही है, हमारे यहाँ पर काम मिलेगा हमें, यहाँ पर आप ही बताइए प्रशासन द्वारा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आए हैं, यहाँ पे जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जिन्होंने की मेडिकल MBBS की पढ़ाई शुरू करने के लिए एक एप्लीकेशन दिया था शासन को। शासन अपनी तरफ से एक NOC देने से पहले यहाँ की जांच कराता है, उस जांच के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था, फैकल्टी देखनी थी, मरीज देखने थे, इक्विपमेंट देखने थे और ट्रेनिंग की फैसिलिटी जो MBBS देने के लिए उसके लिए हम आए थे। यहाँ पे 5 लोगों के सदस्य हैं इसका टीम के, एंड यहाँ पे हमने सब कुछ लॉक पाया। हमें कोई भी किसी ने जानकारी नहीं थी, कोई स्टाफ नहीं मिला हमें, कोई मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, किसी से यहाँ पे कोई मौजूद नहीं। तो ये हमने अपनी जाँच में सौंप दी। तो क्या नोटिस इस पर दिया जाए? नोटिस हमने ये लगाया कि हम जाँच के लिए आए थे। कितनी जगह नोटिस लगाएंगे आप? हमने यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में लगाया, हमें गेट पर लगाएंगे। सर आपका नाम?
हम लोग यूपी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज वहाँ के नामित सदस्य हैं। तो क्या इन्होंने मेडिकल कॉलेज चालू करने की परमिशन मांगी थी? परमिशन मतलब शासन से, वही एनओसी निरीक्षण करने आए हैं सर। सूचना भेजी थी क्या मेडिकल कॉलेज को यहाँ? ये ना ये वो होता है, औचक होता है, सरप्राइज इंस्पेक्शन होता है। सर बंद है यूनिवर्सिटी में, ताला है बंद बता रहे स्टाफ नहीं, तो अब काय की किस तरीके की जांच? नहीं, जांच कर ही नहीं रहे ना, हमने इसलिए नोटिस लगाया। वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों ने मुख्य द्वार पर प्रशासन का विरोध करते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान करते हुए यूनिवर्सिटी को गुजारिश की। वहीं बच्चों ने लाइब्रेरी बंद किए जाने पर पढ़ाई में होने वाली दिक्कतों के बारे में भी बताया, साथ ही जल्द से जल्द लाइब्रेरी खुलवाने की भी गुजारिश की।